हेलो फ्रेंड्स, तो इस ट्यूटोरियल में हम ये पीडीए का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कंस्ट्रक्ट द पीडीए विच कैन एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल इक्वल टू एक्स ए एक्स ए बी एक्स बी डबल ए एक्स बी बी या ए बी एक्स बी ए। अगर आप इस स्ट्रिंग लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक का जो लेंथ है ये ऑड लेंथ है, ऑड लेंथ के ये सभी स्ट्रिंग्स है 1 3 then 3, then this one is a 5, this is having a 5, like this। तो ये सभी जो है ये odd length के string हैं। और इनमें दूसरी बात ये है कि ये सभी जो है ये palindrome string हैं। means इसमें जो middle string है ये x है, तो ये जो है ये सभी odd length palindrome string है। तो हम जो PDA बनाने वाले हैं वो odd length palindrome string जिसमें middle string जो है वो x रहने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्ट द PDA फॉर odd length palindrome string ओवर summation इक्वल टू a कॉमा b वेयर x एज अ मिडल स्ट्रिंग। तो इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम जो लॉजिक यूज़ करेंगे वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग हम पकड़ लेते हैं ए बी एक्स बी ए। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे ए बी, मीन्स एक्स से पहले जो भी सिंबल्स हम रीड करेंगे उन सिंबल्स को हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे। तो ये रहा स्टैक, तो ए को रीड किया, ए को पुश कर दिया, देन बी को रीड किया, बी को पुश कर दिया, देन जब एक्स आएगा तो दैट टाइम हम कोई भी एक्शन नहीं करेंगे। देन एक्स के बाद आफ्टर द एक्स जो भी सिंबल आएंगे तो उस सिंबल से अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर सिमिलर सिंबल है तो उसे हम पॉप करेंगे। मीन्स बी को हम रीड कर रहे हैं तो बी अगर अपर सिंबल ऑफ स्टैक है तो उसे हम पॉप करेंगे। देन ए को रीड करेंगे तो दैट टाइम अपर सिंबल ऑफ स्टैक ए रहेगा तो ए को पॉप कर देंगे। इसके बाद ब्लैंक आएगा और ब्लैंक आने के बाद अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और स्टैक अगर फिर से ब्लैंक पॉप करता है तो दैट टाइम ये जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट देन रीड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, रीड अगर ए होता है तो ए को पुश कर देना है, रीड अगर बी होता है तो बी को पुश कर देना है। तो रीड यहां पर अगर ए होता है तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश ए, देन जब रीड बी होगा तब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुश बी, और फिर से हमें रीड नेक्स्ट सिंबल हमें करना पड़ेगा। तो दिस इज ये मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। देन जब रीड एक्स होगा, मीन्स इस तरह से ए या बी आने दो, सभी पुश हो जाएंगे। जब एक्स आएगा तब एक्स के लिए हम कोई भी ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, जस्ट हम नेक्स्ट डायमंड को जाएंगे जहां पर हम रीड ऑपरेशन लेंगे, रीड। अब यहां पर रीड अगर ए होना है तो पॉप ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो पॉप क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है और पॉप अगर ए होता है तो फिर से हम यहां पर रिटर्न आएंगे रीड के लिए। जब रीड बी होगा और पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे और पॉप अगर बी ही होता है तो फिर से हम नेक्स्ट, मीन्स हमने जो रीड किया है बी उसका स्टैक का अपर सिंबल पेयर जो है वो सेम रहेगा बी, तो वो पॉप हो जाएगा। और रीड जब ब्लैंक होगा, रीड जब ब्लैंक होगा और पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे और पॉप अगर ब्लैंक होता है तो एक्सेप्ट,
तो ये एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर पॉप ब्लैंक की जगह पर ए या बी हो जाता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट के बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। यहां पर बी की जगह पर पॉप ए होता है तो भी रिजेक्ट होगा। इस जगह पर भी ए की जगह अगर बी पॉप होता है या ब्लैंक पॉप होता है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पर ए और ब्लैंक होता है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये इस लैंग्वेज के लिए या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जिसमें मिडल स्ट्रिंग ये एक्स अगर है तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। तो ये जो बन गया है ये है डिटर्मिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा। अब इसका अगर हम ट्रांजैक्शनल डायग्राम अगर निकालते हैं तो वो किस तरह से हमें मिलेगा ये हम देखते हैं। तो ट्रांजैक्शन डायग्राम के लिए हम एक स्टेट लेते हैं क्यू नॉट, देन इस क्यू नॉट में हमें क्या करना है, फर्स्ट हम रीड जो है ए अगर होता है रीड, स्टैक अगर एम्प्टी है तो हमें ए को पुश कर देना है, बी अगर रीड होता है स्टैक अगर एम्प्टी है तो उसे भी पुश कर देना है, देन ए रीड है स्टैक का अपर सिंबल बी है तो भी हमें उस ए को स्टैक के अंदर पुश ही करना है, देन बी अगर रीड होता है स्टैक का अपर सिंबल ए है तो भी हमें क्या करना है उसे पुश ही करना है। तो इस तरह से जो भी सिंबल आएगा इस क्यू नॉट स्टेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुश ही करना पड़ेगा। जब एक्स आएगा तो अपर सिंबल ऑफ स्टैक ए रहने दो या अपर सिंबल ऑफ स्टैक बी रहने दो, उसे हमें एज इट इज रखना है। देन उसके बाद हम क्यू वन स्टेट को आ जाएंगे। अब क्यू वन स्टेट को जब हम रीड ए करेंगे अपर सिंबल ऑफ स्टैक जो है अगर ए है तो उसे हमें निकाल देना है, या आप जेड नॉट भी लिख सकते हो या एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, मीन्स इसका मतलब ये पॉप हो गया। देन बी अगर है, बी आप रीड कर रहे हो, अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर बी है तो दैट टाइम उसे भी हमें पॉप कर देना है। तो इस तरह से ए पॉप हो जाएगा, बी से बी पॉप हो जाएगा। जब आप रीड ब्लैंक करोगे अपर सिंबल ऑफ स्टैक जो है वो जेड नॉट है, अपर सिंबल ऑफ स्टैक जेड नॉट है तो इसका मतलब ब्लैंक ही पॉप होगा। जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे देन उसके बाद हम फाइनल स्टेट तक चले जाएंगे, दैट्स अ क्यू टू। तो ये हुआ ट्रांजैक्शन डायग्राम फॉर द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हैविंग अ ऑड लेन, और जिसमें भी एक्स जो है वो मिडल स्ट्रिंग है। तो ये भी जो बना है दैट्स अ डीपीडीए फॉर द ऑड लेन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो देखेंगे जिसमें हम ऑड लेंथ का ही स्ट्रिंग लेने वाले हैं, बट उसके लिए हम एनपीडीए बनेंगे। तो एनपीडीए मीन्स व्हाट, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो वो कैसे आपको इस प्रॉब्लम के बाद क्लियर होगा। तो इस प्रॉब्लम में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हैविंग अ ऑड लेंथ। तो इसके लिए एल अगर हम राइट डाउन करते हैं तो ऑड लेंथ सिंगल ए सिंगल बी, देन ए बी ए देन बी ए बी सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे ऑड लेंथ के हम स्ट्रिंग यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्लो चार्ट हम निकालेंगे। तो फर्स्ट जो है स्टार्ट, देन हमें रीड करना है, रीड अगर ए होता है तो हमें उसे पुश कर देना है, रीड अगर बी होता है तो उसे भी पुश कर देना है,
और फिर से यहाँ पर न्यू सिंबल रीड करने के लिए आना है। देन जब रीड, अब मिडल स्ट्रिंग जो है ए को पुश करते, अगर समझो हम एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, ये जो है ऑड लेंथ का है। अब इसमें जो मिडल स्ट्रिंग है ए को पुश कर दिया, बी को पुश कर दिया, देन बी आएगा, तो हम जस्ट साइड चेंज करेंगे। मीन्स स्टैक के अंदर हम साइमल्टेनियसली अगर स्टैक ऑपरेशन भी हम लेते हैं, ए को पुश कर दिया, देन बी को पुश कर दिया, देन उसके बाद बी आया, तो हम बी पे हम जस्ट नेक्स्ट रीड को जाएंगे। मिडल स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर साइड चेंज कर रहे हैं। अब मिडल जो स्ट्रिंग है वो कभी ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, तो ए कॉमा बी, देन हम रीड करेंगे। रीड, अगर रीड ए होता है तो पॉप भी ए होना चाहिए। पॉप, पॉप अगर ए होता है तो फिर से नेक्स्ट सिंबल हमें रीड करना है, तो रीड अगर बी होता है तो पॉप ऑपरेशन हम फिर से परफॉर्म करेंगे। पॉप, पॉप अगर बी होता है फिर से न्यू स्ट्रिंग हम यहां पर लेंगे। जब रीड ब्लैंक होगा देन पॉप ऑपरेशन फिर से हम परफॉर्म करेंगे। पॉप अगर ब्लैंक होता है तो एक्सेप्ट। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, बी पे हमने साइड चेंज की, देन जब रीड किया तो रीड बी हो गया, रीड अगर बी हुआ तो पॉप, तो पॉप बी कर रहा है, देन यहां पर फिर से रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रीड ए हो रहा है, देन पॉप ए हो जाएगा। देन यहां पर इसके बाद जो है ब्लैंक सिंबल रहता है, ब्लैंक सिंबल पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक्सेप्ट कर, पॉप अगर ब्लैंक होता है तो एक्सेप्ट। अब यहां पर देखिए ये जो है ये NPDA है, NPDA नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। बिकॉज ऑफ व्हाट, कि जब हम रीड यहां पर डायमंड ले रहे हैं रीड के लिए, तब रीड अगर ए होता है तो हम पुश कर रहे हैं, ये एक ऑपरेशन, और रीड अगर ए होता है तो हम साइड चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए इनपुट के लिए हमें टू ट्रांजैक्शन, अलग अलग टू ट्रांजैक्शन हमें यहां पर करना पड़ रहे हैं, टू ट्रांजैक्शन हमें यहां पर करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो है यहां पर हमें एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकता है कि हम फॉलो करें तो कौन सा ट्रांजैक्शन करें, ये करें या ये करें, तो इसलिए ये जो है ये नॉन डिटरमिनिस्ट, हम यहां पे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि विच रूट शुड बी फॉलो। यहां पर हम ह्यूमन है, हम बायोलॉजिकली सोचते हैं, इसलिए हम डिटरमाइन कर रहे हैं, बट मशीन ये डिटरमाइन यहां पर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये जो बन गया ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा के टू टाइप्स है, पीडीए के टू टाइप्स है, एक तो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सेकंड वन जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही मोर देन वन ट्रांजेक्शन होते हैं फॉर द पर्टिकुलर इनपुट के लिए, और डिटर्मिनिस्टिक में जैसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में सिंगल ट्रांजेक्शन होता है फॉर द पर्टिकुलर इनपुट के लिए, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है सिंगल डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में सिंगल ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों टाइप तो क्लियर हो ही गए होंगे, तो इसी डायग्राम के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा का जो है ट्रांजेक्शन डायग्राम में निकालते हैं। मैं हर प्रॉब्लम के लिए आपको टू सॉल्यूशन बताता हूँ, बाय यूजिंग द फ्लो चार्ट, और सेकंड जो सॉल्यूशन है बाय यूजिंग द ट्रांजेक्शन डायग्राम। तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट हमने इनिशियल स्टेट लिए क्यू नॉट, क्यू नॉट को हमें सिर्फ पुश कर देना है सिम्बॉल्स, तो ए अगर हम रीड करते हैं तो स्टैक एम्प्टी है तो भी हमें पुश करना है, बी अगर रीड करते हैं स्टैक अगर एम्प्टी है तो भी हमें पुश करना है, अगर ए रीड करते हैं ऑलरेडी स्टैक के अंदर बी है तो भी हमें पुश कर देना है, देन बी अगर रीड कर रहे हैं ऑलरेडी स्टैक के अंदर ए सिंबल है तो भी हमें
पुश कर देना है, या बी हम रीड कर रहे ऑलरेडी स्टैक में बी है तो टू बीज भी वहाँ पे रहेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर पुश हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ए या बी के लिए क्या करते हैं, जो मिडल में है तो जस्ट साइड चेंज करते हैं, हमें वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते स्टैक के अंदर। अगर स्टैक के अंदर अपर सिंबल ऑफ ए है तो उसे एज इट इज़ रखना है, बी अगर आप रीड कर रहे हो अपर सिंबल ऑफ स्टैक बी है तो भी उसे एज इट इज़ रखना है, हम ए परफॉर्म ए रीड कर रहे हैं अपर सिंबल ऑफ स्टैक बी है तो भी उसे एज इट इज़ रखना है, या आप बी रीड कर रहे हो और अपर सिंबल ऑफ स्टैक ये ए है तो भी उसे एज इट इज़ रखना है। तो ये हुआ जस्ट सिंबल एज इट इज़ और स्टेट चेंज हमने यहाँ पर किया है। देन इसके बाद जो है Q1 को हम पॉप ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो B अगर आप रीड करते हो अपर सिंबल ऑफ स्टैक B है तो उसे हमें पॉप कर देना है, देन A आप रीड कर रहे हो अपर सिंबल ऑफ स्टैक A है तो उसे भी पॉप कर देना है। देन उसके बाद अगर समझो हम बी रीड कर रहे और अपर सिंबल ऑफ स्टैक बी ए है तो हमें सिर्फ बी को पॉप करना है, या ए रीड कर रहे हो अपर सिंबल ऑफ स्टैक ए बी है तो भी हमें क्या करना है, सिर्फ ए को ही पॉप करना है। तो ये ट्रांजेक्शन आपने नहीं भी लिखा तो भी चलता है, इसका मीनिंग ये यही है कि जब आप बी रीड करोगे तो बी को पॉप करना है, ए रीड करते हो तो ए को ही पॉप करना है। देन जब आप ब्लैंक रीड करोगे स्टैक एम्प्टी है और पॉप ब्लैंक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप को पोस्टिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हुआ इसका सेकंड सॉल्यूशन, और ये भी जो है ये एनपीडीए ही है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन अटेम्प्ट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिजाइन द एनपीडीए फॉर ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो दैट टाइम आप ये सॉल्यूशन दे सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिजाइन अ पीडीए फॉर या डीपीडीए फॉर ऑड लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग तो दैट टाइम आपको कोई तो भी स्ट्रिंग जो है एक्स आपको एज ए मिडल स्ट्रिंग वहां पे कंसिडर करना होगा जो कि समेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम उसके लिए डीपीडीए बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रैक्टिस अगर करते हो तो ये प्रॉब्लम भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, थैंक यू सो मच।